तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आई टी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वर्कशॉप एल्गोरिथम साइंस की होने वाली है, आई टी एस से करने वाली है, ठीक है। यानी कि निमी से आप लोगों ने देखा होगा, निमी से जो है क्वेश्चन आपके बहुत बन रहे हैं एग्जाम में। जो आपका निमी वेबसाइट है उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं। 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और उसमें से 40 किसके आ रहे हैं थ्योरी के और 20 के किसके आ रहे हैं वर्कशॉप के, ठीक है। और इसमें से ना लगभग लगभग मतलब अधिकतर जो सवाल आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं निमी, जो निमी आप लोगों ने पीडीएफ देखी होगी, पीडीएफ जो मैं आपका क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ आप लोगों को, तो उनसे जो क्वेश्चन है वो आपके बन रहे हैं। अब जो आपकी थ्योरी क्लास है तो मैं चला ही रहा हूँ, आज जो आपकी क्लास होगी उसमें जितने मतलब 29 तारीख से 10 तारीख तक तो जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक के पूछे जा चुके हैं, वो हम रात करेंगे 8 बजे, ठीक है। जो लोग आना चाहें आ जाना। और जो आज की हमारी वीडियो है वर्कशॉप की, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन निमी में इंपॉर्टेंट बने, मतलब कुछ क्वेश्चन की लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, धीरे धीरे इसको भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। तो निमी जो आपकी पीडीएफ फाइल है भारतीय स्किल से, जो ने अपने आप उसको डिसाइड किया है डीजीटी ने, तो उन्हीं के जो क्वेश्चन है आज की क्लास में होने वाले हैं। तो सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन है, लास्ट तक देखना, जितने मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे रखा है, इसको बताइए सोल्व करके, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास हो रही है, रात के टाइम जो होगी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। तो सभी आ जाना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं रात के 8 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी लेने के लिए। तो इसमें म्यू की वैल्यू दी गई है और कार्य दिया गया है और आपसे बल पूछा है। देखिए इतना आसान न्यूमेरिकल आया है आपके वर्कशॉप में। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो आप लोगों ने देखा होगा, म्यू बराबर कितना होता है आपका, म्यू बराबर होता है आपका एफ अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। कितना होता है एफ अपॉन डब्ल्यू जो है आपका होता है। अब आपसे पूछा क्या गया भाई, यहाँ पर आपको बल पूछा गया है, क्या पूछा गया है बल, यानी कि आपसे पूछा गया है एफ, एफ की वैल्यू आपसे पूछी गई, म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 20 दे रखी है, और एफ आपसे पूछा गया है एफ जी का तो रख दीजिए। डब्ल्यू बराबर कितने दे रखा है यहाँ पर, डब्ल्यू बराबर दे रखा है भाई 20, ठीक है। डब्ल्यू बराबर कितने दे रखा है यहाँ पर, कार्य बराबर 20 किलोग्राम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 20, इसकी वैल्यू कितनी गई थी 20, ठीक है भाई। अब आपस में हम क्या काम करेंगे, देखिए अगर ये ऊपर होता तो आपस में कट जाता। अब ये देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर भी 20 है, इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो किसका माना जाएगा यहाँ पर, एफ का माना जाएगा भाई। एफ ये बोल रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरा मान चाहिए बस, ठीक है, मेरे आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ ये बोल रहा है, ठीक है, कि मेरे आसपास ऊपर नीचे कोई भी नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये जो 20 है ये क्या काम करेगा, चलो ठीक है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आपको मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो एफ बराबर यहाँ कितना, एफ तो अकेला रहेगा यहाँ पर, एफ बराबर कितना रहेगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 20 गुना 20, कितना जाएगा एफ बराबर 400 एफ की वैल्यू, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा चुका है, इसमें दिया गया है a^1 / a^2 आपको m दी गई है। अब देखिए इसमें घातांक से जो है ये सवाल पूछा गया है, घातांक से आप लोग क्या देख सकते हो, घातांक से है। अब आपसे मतलब देखना चाह रहा है कि आप किस तरीके से जो इसको सोल्व कर सकते हो, सिर्फ एक स्टेप लगेगा इसमें सोल्व करने में। देखिए आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर, a^m दिया गया है, a^ कितना दिया गया है m दिया गया है, गौर से देखिए। तो जब ये पूछ रहा है आपको, ये 4 ऑप्शन दे गए हैं 1 2 3 4, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो है ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए ये a^m है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख गौर से देखिए, क्या इनके ऊपर कुछ दिया गया है, इनके अंश में या हर में कुछ, ये तो खाली है, a^m है, a^-m है, m रूट ए है और a रूट ए है, तो यानी कि इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं इस a को ऊपर ले जाऊँगा। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो भाई क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जब मैं a^m को ऊपर ले जाऊँगा, 1 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये किस में हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी माइनस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मेरे पास हर में घात हो, मान लीजिए मैं आपको दूं 1/2, ठीक है, वैसे तो 2 × 4 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पूरे को ऊपर ले जाऊं तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2^-2। तो क्या काम हो रहा है, अगर घातांक बन रही है बटे में यानी कि हर में, तो वो क्या ऊपर जाकर कहम हो जाती है, माइनस में हो जाती है। मान लीजिए 1/2 x है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 2^-x। तो उसी प्रकार इन्होंने पूछा है a^m दे रखी है, तो a^m ऊपर जाकर कितना हो जाएगी, a^-m, ठीक है, हो गया। और यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर था, बी ऑप्शन आपका लोगों का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि नीमी की मतलब वेबसाइट जो आपकी पीडीएफ में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आया है। आपको दिया गया है यहाँ पर 14x, 3y, 25x और 2y। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दे रखा है ऐड करने के लिए, प्लस का साइन दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, वाई वालों को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वालों को एक तरफ कर लीजिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये आपके पास कितना है 14x, ये कितना है आपके पास 25x, ये कितना आ जाएगा आपका टोटल 39x, भाई 5 और 4 9 और 2 और 1 3। ठीक है, तो 39x आपका हो गया, मैंने एक्स वालों को आपस में जोड़ दिया और वाई वालों को भी आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 5y। देखिए कितने आसान आसान सवाल आपको सामने दे रखे हैं निमी ने। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल आप लोगों के सामने इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन है 5a² b मल्टीप्लाई 8a^5 इंटू b^3। अब देखिए सबसे पहले घात में आप कन्फ्यूज़ हो जाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दिया गया है और 8 दिया गया है। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी होती है, 8 × 5 कितने होता है भाई 40। मैंने 40 यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखिए भाई जब भी आपको घात की मल्टीप्लाई करने के लिए आपस में कहे, मान लीजिए a^2 a² है और b² है, अगर इनके आपस में कहे, यहाँ पर a ही लिखा जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ऐसे दिया गया हो तो आप क्या काम करोगे, सिंपल देखिए जो घात है ना वो क्या हो जाती है आपस में, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, तो a^2 कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो वही काम हमें इसमें करना है, 1^2 है, 1^5 है, तो 1^2 5 और 2 कितने हो गए 7, 1^2 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7। b^2 यहाँ पर कितनी है 3 और यहाँ पर b^2 कितनी है 1 है, कुछ नहीं है फिर भी मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर 1 घात है, तो b^3 है, b^1, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे b^4, तो 40, 1^7 और b^4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने इस प्रकार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी समझ में आया तो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना भाई। ये आपको दिया गया है 3x+15 बटे में 5x+25। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले 3x+5 है और 5x+25। देखिए आपको आसान आसान दिख रहे होंगे लेकिन निमी ने जो आपकी भारत इसके लिए ऐप उठाकर देख लीजिए, जो आपके एडवांस मैथ से जो एलजेब्रा वगैरह परसेंटेज वगैरह से जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आसान आसान से उन्होंने दे रखे हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए और 1 क्वेश्चन और दिखाऊंगा, ठीक है, उसी के बेस पर जो आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है 3x+15 और 5x+25। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, इसमें से आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर कितना है 15, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ बाहर, तो यहाँ कितना बचाएगा x, भाई 3 तो बाहर उठ के आ गया, अभी जब यहाँ से भी मैं 3 उठा लूँगा तो 3 × 5 = 15, तो 5 यहाँ पर रह जाएगा, और बटे में जब मैं यहाँ से 5 उठाऊँगा, 5 मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, 5 यहाँ से x खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पर x, जब यहाँ से मैं 5 उठाऊंगा तो 5 × 5 = 25, तो यहाँ पर भी 5 बच जाएगा, इस x प्लस 5 से इस x प्लस 5 को कट कर दूंगा, तो 3/5 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ को भारी भी लग रहे होंगे, कुछ को आसान भी लग रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना हार्ड तो नहीं है और ये सिंपल है, इसका तो आपको x का मान दे रहे, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं उन्होंने, तो कितना जाएगा 13 20 - 13 कर दीजिए, एक्स बराबर कितना जाएगा आपका 7। चलिए ये तो आसान आसान था। अगला सवाल है आपके सामने लेकर आया हूँ, देखिए किस प्रकार है। तो भैया क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार दिए गए हैं, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा गया है कि 1^m मल्टीप्लाई 1^n, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। देखिए अब इसमें आप लोग सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1^m + n। मैंने क्या बताया था, अगर डिजिट सेम हो और बीच में क्या आ रही है मल्टीप्लाई आ रही हो तो उनकी जो घातें होती हैं आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो 1^m + n ये क्या होगी, यहाँ पर ऐड मैंने कर दिया। अच्छा अब ये वाला सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है, इसका कैसे सॉल्व करोगे, देखिए दिया गया है a+b² - a - b² देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूले आपको रट के जाने हैं किस्म से, ठीक है, जितने भी आपके a+b² हो गया, a - b² हो गया, 1^3 का फॉर्मूला होगा, b^3 ऐसे इस प्रकार जितने मतलब न्यूमेरिकल जो बनते हैं ना आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन बनते हैं एल्जेब्रा से, तो इन्हीं जो है फॉर्मूला पर बेस होते हैं, तो आपको जो है सभी प्रकार के जो फॉर्मूला है ना ये आपको याद करके जाने हैं,
ठीक है, और फॉर्मूले पूछ भी लेता है वो। अब जिसको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो कर देगा भाई, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए ये मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट में तो रखो या ना रखो, लेकिन अभी ब्रैकेट में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये आपका माइनस आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये माइनस 2AB का सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये मेरा आ चुका है। अच्छा अब यहाँ पर जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा, देखिए जब मैं ये ब्रैकेट, चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ पर, बाद में इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या काम करेंगे, मैं इसको जब ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, यही हमारा रूल होता है भाई। जब ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये माइनस प्लस वाले को क्या कर देगा, माइनस, और माइनस वाले को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो ये ए स्क्वायर कहाँ का है, प्लस का, कैसा हो जाएगा माइनस का। बी स्क्वायर कहाँ का है, प्लस का, माइनस कहाँ का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा। ये जो 2AB है वो किसका है, यहाँ पर माइनस का है, जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा इसको क्या कर देगा, ये प्लस का कर देगा 2AB। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो ए स्क्वायर है वो किसका है, प्लस का, और ये ए स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार बी स्क्वायर भी कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं। अब बचा मेरे पास 2AB और 2AB, कितने हो गए भाई, 4AB, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ जो पूछा गया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वही कार्य वाला क्वेश्चन जो था वो आपका पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, डब्ल्यू बराबर दिया था आपको 20 किलोग्राम, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, और म्यू बराबर, आप सोच रहे हो पिछले वाला पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन नहीं उससे अलग है, ठीक है, 0.254, ठीक है, और आपसे एफ पूछा है, बल बता दो कितना होगा। ठीक है तो आपसे बल की वैल्यू पूछिए, तो कैसे सोल्व करोगे, देखिए वही फॉर्मूला लगा दो, म्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ। ठीक है तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.24, एफ बराबर आपका आ जाएगा, मुझे एफ निकालना है, तो आप मेरा आ चुका है यहाँ पर ऊपर, कार्य कितना देगा यहाँ पर 20 किलोग्राम, भाई मुझे एफ बोल रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्या कम करेगा, जो 20 किलोग्राम है इधर आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, गुना में आ जाएगा। ठीक है ये 20 किलोग्राम कैसा आ जाएगा यहाँ पर, गुना में आ जाएगा। जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी, एक जीरो आ जाएगी, दो जीरो आ जाएगी, क्योंकि अक्सर कितने हैं, एक दो हैं, तो एक जीरो आ गई, दो जीरो आ गई ना यहाँ पर, ठीक है दो अक्सर हैं तो दो ही जीरो आ गई। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है अब 24 दूनी कितने होते हैं, 48, बटे में कितना है 10, अब अगर इसको जब भाग दोगे कितना आएगा 4.8, या फिर डायरेक्ट लगा सकते हो आप, जीरो कितनी है एक है, तो एक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 4 पॉइंट आठ आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये एक सवाल आपका पूछा जा चुका है। ठीक है भाई अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं, मतलब आपके जो और क्वेश्चन रह रहे हैं निमी से, बहुत सारे इंपोर्टेंट सवाल है जो मैं आपको अभी लेकर नहीं आऊँ, लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें जो है हम बहुत सारे जो इंपोर्टेंट सवाल है वो कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है तो आगे क्लास जरूर देखना, और हाँ शाम की जो क्लास होने वाली है आपकी रात 8 बजे, ठीक है रात 8 बजे जो क्लास होने वाली है आपकी आज शाम में इलेक्ट्रिशियन की, उसमें जितने भी सवाल अब तक बन चुके हैं 29 जनवरी से लेकर और कब तक 10 फेब तक, ठीक है वो सभी आए हुए सवाल हम कब करेंगे, आज रात 8 बजे, ठीक है आज रात 8 बजे हम वो क्लास चलाएंगे, लाइव लाइव चलेगी भाई, तो सब लोग आ जाना जो लोग इलेक्ट्रिशियन से हो और देखना चाहें क्लास कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं एग्ज़ाम में, तो सब कुछ जो है आपको उस क्लास में मैं बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र नए हैं तो वीडियो के जो है लाइक कर देना, और चैनल पर जितने भी छात्र नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो करता हूँ भैया एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।